चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम। बहुत साल हो गए अपन मिले नहीं थे। अभी अपन पढ़ाई एकदम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। आपकी 6-6 घंटे की पढ़ाई होगी जिसमें आपको हर टाइम फील होगा कि अपन सीए कर गए। हर घंटे को मैं आपको फील कराते रहूंगा क्योंकि आपका टाइम खत्म हो चुका है एंजॉयमेंट का। अभी आज से चालू हो चुका है आपका। जो मैंने वादा किया था मंडे से वो मैंने प्रॉपर ट्यूसडे को फॉलो कर दिया क्योंकि मंडे का वादा था बट इरादा था। बट हाँ, पिछले मंडे को बोला था बट हुआ कि नहीं, वो सबसे इम्पोर्टेंट। फॉलो करना सबसे इम्पोर्टेंट है तो मैंने फॉलो कर लिया आपके लिए। नहीं तो आज भी छुट्टी देने वाला था मैं आपके लिए। मैं कहता था वेडनेसडे होगा, बच्चे तो जान लेंगे मेरे ऊपर, तो मेरे को नींद ही नहीं आएगा रात को। बगैर कुछ भी हो जाए तो कल मैं रात को 2:30 बजे घर पहुंचा। 3 घंटे ही सोया। 8 बजे पहले लेक्चर था सीएमए का, लॉ का, 8 बजे। तो इधर 7:30 बजे आया तो उठा कितने घंटे सोया? 3 बजे, 6 बजे उठा। 3 ही घंटे से, 3 क्या 2.5 घंटे भी नहीं, आधे घंटे में तो आप ही लोग थे सपनों में। हमारा लेक्चर तो उसमें आधा घंटा आप इसमें ही चले गए। 2-2.5 घंटे ही सोया मैं आज। बट स्टिल ओके फाइन, आपकी आपको सीए बनना यही मेरी चाहत है तो क्या कर सकते। घर गया था, एंजॉय किया थोड़ा दिन, मस्त पार्टी वार्टी की, मस्त खाना बना खाया। हाँ नो नो नो, देखो दिस इज माई रक्षाबंधन ऑलरेडी हैव डन, सो इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता। बहन है तो बहुत ही ऐसी मानने वाली, जिसको चाहने ही लगता वो बहन बना देती। चलो तो अपन स्टार्ट करते पार्टनरशिप। अभी पार्टनरशिप में अपन ने स्टार्ट किया था सबसे इंपॉर्टेंट कि पार्टनरशिप में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, एक तो बिजनेस स्टार्ट करना एंड प्रॉफिट शेयर करना। प्रॉफिट अगर शेयरिंग नहीं होगा तो अपन बिजनेस कैसे कहेंगे, या कोई बिजनेस ही नहीं होगा तो उसे पार्टनरशिप कैसे कहेंगे। और एक पार्टनर्स इंडिविजुअल होना चाहिए, कंपनी नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों सर? एग्जाम में क्वेश्चन आया कि यार पार्टनरशिप में इंडिविजुअल होना चाहिए, कोई कंपनी नहीं होनी चाहिए। मैं पार्टनर हूं और एक कंपनी पार्टनर, रिलायंस कंपनी, तो चलेगा क्या? दोनों में पार्टनरशिप हो सकती है क्या? नहीं हो सकती भाई साहब, क्योंकि पार्टनरशिप में इंसान चाहिए होता है जिनकी फीलिंग, इमोशंस, इंटरेक्शन कर सकते हैं, उसे तो पार्टनर कहते हैं ना। बट कंपनी को पार्टनर कैसे कहेंगे? मैं तो चला जाऊंगा, कंपनी तो अकेले रहेगी ना, क्योंकि कंपनी तो रहती है ना, काई चीज इंसान आएंगे जाएंगे बट कंपनी तो वैसे की वैसे रहेंगे ना। ये काई की पार्टनरशिप है? पार्टनर तो उसी के साथ, उसी को कहते हैं ना जो अपने साथ भी आएगा तो अपने साथ भी मरेगा, उसे तो पार्टनर कहते हैं ना। आया ना, जो बिन जो जो बीच में ही छोड़ देगा अपने को, उसे अपन पार्टनर थोड़ी कहेंगे। चलो तो अपन कहते हैं रिलेशंस ऑफ पार्टनर टू थर्ड पार्टीज, ये अपना टॉपिक था। हाँ ना, राइट। अ पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म और फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। अपन ने पढ़ा सेक्शन 18, पार्टनर्स क्या होता है? एजेंट होता है। एक पार्टनर का एक्ट बाकी पार्टनर के लिए क्या होता है? लाइबल होता है, ये अपन ने पढ़ा था। बट उनके पास दो ऑप्शन है भाई साहब, एक तो एक्सेप्ट करो कि गलती अपना छे, घर का छे, तो छोड़ दो, चलो अपन एक्सेप्ट कर लेते, जितना भी कॉन्ट्रा आएगा अपन तू तू मैं करेगा, टीटीएमएम जितना होगा अपन कर लेंगे। दूसरा एक्सेप्ट है आप सब मिलके उसके ऊपर ब्लेम करो, तू ही गधा है, तू ही पैसे दे सब कुछ, ये दूसरा आपके पास ऑप्शन है। ऐसा मत लिखो एग्जाम में तू ही गधा है, तू ही पैसे पर, ओके? नहीं तो एग्जाम लिखने गधे तो फिर आपको गुस्सा आएगा एग्जामिनर को। द प्रिंसिपल डिस्टिंक्शन बिटवीन हिम एंड अ मेयर एजेंट इज दैट ही हैज अ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट विद अदर पार्टनर्स इन द होल प्रॉपर्टी एंड बिजनेस एंड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, वेयर एज एजेंट हैज सच नो इंटरेस्ट इन द आइदर। अब डिस्टिंक्शन क्या होता है प्रिंसिपल एजेंट में? एजेंट को प्रिंसिपल के इसमें इंटरेस्ट नहीं होता उसकी प्रॉपर्टीज में। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अमूल की एजेंसी ली, अब मेरे को इंटरेस्ट इसमें है कि अमूल के पास कितनी प्रॉपर्टीज है, मेरे को क्या लेना है? बट पार्टनरशिप में अगर मैं एजेंट हूं, पार्टनरशिप में अगर मैं एजेंट हूं पार्टनरशिप का, तो मुझे इंटरेस्ट है ना पार्टनरशिप में कितनी भी असेट है, क्योंकि जितनी भी असेट है वो पार्टनर्स की है ना और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो पार्टनरशिप एंड एजेंसी में यही बेसिक डिफरेंस है कि जो एजेंट होता है उसको प्रिंसिपल में इंटरेस्ट नहीं होता प्रॉपर्टीज में, क्योंकि उसको मिलने वाली नहीं होती ना। अब अमूल की मैंने एजेंसी ली तो अमूल वाला थोड़ी मुझे गाय भैसे देगा, ले ले हमारी गाय भैसे तू भी रख, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, मुझे मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट है। बट पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप के लिए एजेंट होता है। एजेंट मतलब उसको पार्टनरशिप में इंटरेस्ट होता है, पार्टनरशिप के असेट में इंटरेस्ट होता है उसको। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अगर एग्जाम में आपको पूछेंगे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पूछा, यहाँ पे बोला है कि ये एजेंसी जो होती है, ठीक है, और यहाँ पे जो एजेंट होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई साहब? मैं बात करता हूँ एजेंसी एंड एजेंट की, इन दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है? तो मैं कहता हूं कि भाई साहब यहाँ पे प्रिंसिपल
कि जो प्रॉपर्टी होती है उसमें इसको नो इंटरेस्ट होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं प्रिंसिपल ये कितनी पैसे ढूंढो। बट भाई साहब यहां पे एजेंट को इंटरेस्ट होता है कहां पे, पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है ना। एग्जाम में अगर 2 मार्क के क्वेश्चन आए तो ऐसे मुंह मत देखना अभी, जैसे देख लो कि आप क्या बोला था सर ने उस टाइम पर। तो आपके नोट्स में अभी लिख सकते हो, अगर आपको अगर थोड़ी सी कष्ट लेने की जरूरत है अभी इस टाइम पे आपको, तो अगर आपके इसमें थोड़ा सा डायग्राम बाजू में लिख लो। अगर नोट्स में मैंने बहुत सारी स्पेस दी है क्योंकि मुझे पता है वहां पर लिखना पड़ता है, नहीं दी तो समझिए ना मैंने झूठ बोला था। चलो आप लिखो एजेंसी, एजेंसी लिखो यहां पर, लिखे एजेंट, एजेंसी वन साइड एंड वन साइड में लिखो एजेंट। तो एजेंसी में सब साथ में लिखो क्योंकि बार बार पूछोगे सर वो क्या है वो क्या है, इसे सुबह सुबह मॉर्निंग में हर्ट हो जाएगा, तो इससे अच्छा अभी सब एक साथ ही लिख लो। एक साइड एजेंसी, एक साइड एजेंट। एजेंसी में लिखो प्रिंसिपल प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल्स एंड प्रिंसिपल में डिफरेंस आपको पता है ना, ये प्रिंसिपल होता हेड और वो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो विजन्स होते हैं, कि वो विजन्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होती है कि मुझे ये फॉलो करना है, वो प्रिंसिपल्स अलग है। जो हेडमास्टर होता है आपके स्कूल का वो प्रिंसिपल होता है, पल उसके कहते हैं पल यहां से पीएल, बट वो प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको आप फॉलो करते हैं कि मुझे लाइफ में 6 बजे उठना है, गलत प्रिंसिपल्स जो आपके। यस न्यूज़पेपर पढ़ना ठीक है। वहां पर लिखो प्रिंसिपल प्रॉपर्टी नो इंटरेस्ट, यहां पर लिखो एजेंट इंटरेस्ट किसमें होता है, पार्टनरशिप के प्रॉपर्टी में, एजेंट इंटरेस्ट पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। नीचे क्या है वो, हाँ सामने वाली खिड़की में, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट को मेरे भविष्य मत हो मुझे हर्ट होता है। मुझे एक बात बताओ, जब अपन एजेंट बन जाते हैं, अब पार्टनरशिप का एजेंट है, इसको काम करने के लिए क्या मिलना पड़ता है, मतलब फॉर एग्जांपल अभी यहां पे अपन बात करते ए बी सी, ये पार्टनरशिप, अक्षय भैवड़े सी मेरी वाइफ है, सॉरी संगीता, ए बी एस एप्स करके मेरी पार्टनरशिप है, ए बी एस करके ठीक है। तो अरे संगीता पे क्यों हंसती हो तुम, संगीता पे मस्त हंसो बोल लगता मुझे, तो ए बी एस हाँ कोई दिक्कत नहीं मैं नहीं हूँ, एबीएस, एबीएस पार्टनरशिप है 3 लोगों की ठीक है। भाई साहब अब इसमें एक्टिव पार्टनर ए, मतलब मैं हूँ बहुत एक्टिव पार्टनर, बी एन एस स्लीपिंग पार्टनर, उनका एक काम धंधे से काम भी नहीं करते, वो स्लीपिंग पार्टनर, अब काम करता हूँ मैं हूँ, अब मैं कोई एक्ट करता हूं तो ये एक्ट किसके ऊपर बाइंड होगा, मेरे ऊपर या इन तीनों को, ये तीनों को बाइंड होता है, हाँ या ना, तो इसे कहते हैं इम्प्लाइड, इसे क्या कहते हैं इम्प्लाइड, ऑटोमेटिकली ब्लाइंड ऑन द अदर थ्री पार्टनर। बट मुझे एक बात बताओ इसका मतलब ऐसा होगा क्या कि मेरे को अगर फॉर एग्जांपल कुछ डिस्प्यूट होते हैं मैं किसी थर्ड पार्टी को रेफर कर सकता हूँ विदाउट दैट, विदाउट बी एन सी एस परमिशन? नो नो। तो आपका अगर डिस्प्यूट भाग हो गया कुछ करना है रेफर, फॉर एग्जाम्पल आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन क्या होता है अब मैं बताता हूँ, आगे कंसेप्ट है आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन ऐसा हो ए आर बी, आर्बिट्रेशन मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दोनों में झगड़ा है, दोनों का झगड़ा सॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों समझ नहीं पा रहे, मैं कहता हूं कि मैं सही हूं वो कहती है कि ऑलवेज वॉज राइट, दो महीने बहुत बड़ी फाइट है, अभी कौन पता चल गया कौन राइट है, तो अब इस केस में क्या कहता है थर्ड पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, ये जो थर्ड अंपायर होता है वो देखता है कि दोनों में क्या झगड़ा झगड़ा किसकी गलती है किसका क्या है डिस्प्यूट, फिर ये डिसाइड करता है भाई साहब सुनो तुम्हारी ये गलती है तुम्हारी ये, फिर आपका मैटर सॉल्व करता है, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी इन द डिस्प्यूट एंड ही कैन रेफर टू योर सोल्यूशन, ऐसा होना चाहिए।
अब पता है ना, आप बहुत सारे केस लॉज में जैसे एडवोकेट को हायर किया जाता है, एडवोकेट आता है फिर बताता है अच्छा ऐसा है क्या, फिर आप ऐसे कहो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो उसे आर्बिट्रेशन कहते हैं। तो ध्यान रखना, अगर एजेंट है, मैं एजेंट हूं पार्टनरशिप का, मैं सब काम करता हूं, बट मेरे जितने भी एक्ट है वो पार्टनरशिप के लिए लायबल है, बाइंड है, बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी अपना जो डिस्प्यूट है किसी थर्ड पार्टी को रेफर करूं, इसमें ऐसा नहीं लिखा होता है। देखो क्या कहता है सेक्शन, हाँ, इम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एज ए एजेंट अंडर सेक्शन 19। 19 में सब समझ लेते कि नहीं मुझे ये सब कुछ मिल रहा है, ध्यान रखना 19। एक्ट ऑफ पार्टनर विच इज डन टू कैरी ऑन इन द यूजुअल वे बिजनेस ऑफ काइंड कैरिड ऑन बाय द फर्म बाइंड्स द फर्म, कुछ नहीं, वो जितना भी एक्ट करेगा किसके लिए एप्लीकेबल है, बाइंडिंग है फर्म के लिए, वो सिर्फ अकेले के लिए बाइंडिंग नहीं है, काम किसके लिए कर रहा है वो, पूरे एबीएस के लिए कर रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूसेज एंड कस्टम्स, यूसेज मतलब कोई रूल्स रेगुलेशंस, कस्टम मतलब कोई रूल्स रेगुलेशंस वहां पे मेंशन नहीं है, कस्टम मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ट्रेड बिजनेस के, टू द कॉन्ट्ररी द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स डज नॉट एम्पावर हिम टू, इम्प्लाइड मतलब ऑटोमेटिकली उसको नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं समझना चाहिए कि ये मुझे पावर्स है, क्या पावर्स है, सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द आर्बिट्रेशन, उसने ये नहीं समझना चाहिए कि अपना जो डिस्प्यूट है तू कल जाके किसी और को बता। अब मैं अगर पार्टनरशिप के बिहाफ पे मैं काम कर रहा हूं तो मुझे राइट्स किसके, सिर्फ पार्टनरशिप के बिहाफ पे जितना काम करना उतना ही राइट्स है मुझे, कुछ डिस्प्यूट हो जाता है मेरे पास ये राइट नहीं कि मैं किसी थर्ड पार्टी को जाके बताऊं, बट इंडिया में वैसा नहीं होता भाई साहब, इंडिया में थर्ड पार्टी को बताया जाता है बाजू को बताऊंगा, मैं देखने ऐसा हुआ था मेरे वाइफ के साथ, मैं मतलब आपको पता है नॉर्मली औरत जो होती है घर की, जब हस्बैंड चला जाता है जॉब पे तो जब झगड़ा हो जाता है घर में तो जो औरत औरत बैठती है दोपहर में जब टाइम मिल जाता है तो बैठती है ऐसी, सुनना है उसने ऐसा किया, देखना वो कितना गंदा है, मेरे को कहता कैसे पता, मतलब उस ग्रुप का मैं हेड हूँ, अध्यक्ष हूँ उस ग्रुप का, तो मुझे वहां पर नहीं गए, मैं जनरली मेरे को ये देखने में मजा आता, ये सुनने में मजा आता किसी घर में क्या चल रहा है, तो नहीं भाई अपने को क्या करने का किसके घर में क्या चाहिए, मैं जनरली वो भी बताऊँ, तो क्या होता है जनरली जब औरत मिलती है 2 दिन तो क्या डिस्कस करती है, इसके घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, भले पार्टनरशिप उसके किसके साथ है, हस्बैंड के साथ है, बट विदाउट गिविंग असेंट टू द पार्टनर ही इज डिस्क्लोजिंग ऑल द फैक्ट्स टू द थर्ड पार्टी। तो पार्टनरशिप में डिस्क्लोज नहीं करना, थर्ड पार्टी को मत डिस्क्लोज करना, आपने पार्टनरशिप किसके साथ की है, पार्टनर के साथ, उसकी कंसेंट लेना थर्ड पार्टी में जाने के पहले, उसकी कंसेंट लेने के बाद ही आप थर्ड पार्टी के पास जाओगे ना भाई साहब, ऐसा है आप खुद अकेले जा रहे हो मतलब उसको कुछ वैल्यूज नहीं है ना, फिर पार्टनर किस बात का, कंसेंट ही नहीं कुछ नहीं, तुम अकेले जाके उससे बात करो, फिर उसको इनसिक्योरिटी आ जाएगी ना भाई साहब, हमारी तो कंसेंट ही नहीं है आपने, उसको जेलस फील होगा, फिर पार्टनर शादी तो मुझसे ही की, बात उसी से करती हूँ, शेयरिंग उसी से करते, कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स फीलिंग इमोशन उनके साथ ही होता है, फिर मेरे साथ क्या काम है, नाम ही उसी का है तो काम मेरे साथ क्या है, तो इसकी वजह से पार्टनरशिप में आपको यह अथॉरिटी नहीं है, आप किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं जा सकते विदाउट दैट पर्सन कंसेंट। शिट, वापस पहले पेज पर, ये बहुत दिक्कत आने लगी, क्यों पता है क्या किधर गया, ओके दिक्कत क्यों आने लगी, अरे बाप ये सुनील किधर गया, क्या हुआ है, एक ही इस पे 2 ईमेल आई डी, तो कभी कभी क्या हो गया, बहुत लेट ट्रिप पे आ गया इसमें, हाँ आया आया, थैंक यू सो मच, नहीं वो बाजू में से ले सकता हूँ मैं, आपकी जो चाहत है ना, मतलब फौजन इसको पकड़ के, ये ऐसा होता फिर बहुत खेलना पड़ता है वो, अपने आदत नहीं, अपने आदत ऐसी थी क्या कम खेलनी, पेज नंबर क्या है, क्या जमाना ऐसे, मेरे को बारीक बारीक काम नहीं जमते, एकदम एकदम ऐसे बारीक बारीक वाले काम, ऐसे पकड़ना ये वाले, तो ये कामों में जितने बारीक काम वहां पे अपन बहुत लेट है, लड़के के जो काम होते हैं बारीक एकदम बारीक एकदम बारीक ऐसे वाले वो काम, वो न्यूज ये गाने का नहीं क्या, बचपन में अपन नोट्स लाते थे, नोट्स को स्टिकर लगाना, वो काम होते नहीं जमते बारीक बारीक, अपना ठट अपने पास वो पकड़ पेज भी नहीं रहता कभी, जब अपना एक एक मंथ क्या मेरे 10 दिन के अंदर वो पड़ जाता पूरा कहाँ कहाँ से, अपने को जमता नहीं, वो भागे भागे काम अपन रखते नहीं, पेन भी अपन वो वाला रखते नहीं, वो पीछे क्या पलट का वाला ये वाला से रखते टिक टाक वाला, वो वाला रखेंगे तो उसका कैप किधर पता नहीं, कैप टूट जाती है किधर फेंक दिया, वो भागे भागे काम होते जमते,
लड़कों का मत बोलो मैडम, मैं जैसे कोई अच्छे लड़के भी हो सकते तो उनको बोल कर जाएगा, मैं हूँ सिर्फ इतना ऐसा। 100 अगर आज के दिन आएंगे अपन, चलो कल बस में ऐसी बहुत बड़ा गड्ढा था, ऐसी गाड़ी ऊपर गई ना, मैं नींद में था, मेरे को नींद में गया अपन अभी ऊपर सीधा भगवान के पास, पता है मतलब मैं आ गया ऐसे मतलब ऐसे सोया, और गाड़ी इतनी ऊपर गई ना, मैं तो एकदम ऊपर, मेरे को अपन गए ऊपर अभी सोच में आ गए ना कि एक्सीडेंट हो गया, सो मैं बोला अपन गए एकदम थोड़ी देर बाद वापस पुणे आया, पुणे वो आवाज देखा ठीक है भगवान ठीक है, मैं बोला सिगा वगैरह से याद किया, इनका तो एक चैप्टर रह गए थे, इनका तो दो चैप्टर रह गए थे, सब याद कर गया था, मेरे को कितने सपना था रिलेटेड आते, 2 मिनट की व्याख्या बनकर ऐसे सपने आएंगे तो सोचे अच्छे आते नहीं सागर। चलो तो सबसे पहले डिस्प्यूट किसी थर्ड पार्टी को रेफर नहीं कर सकता, ये आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है। सेकंड, ओपन अ बैंकिंग अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम, मतलब वाइफ एबीएस हम तीनों पार्टनर्स, अगर मैं खुद बैंक में जाऊंगा और मेरे नाम का अकाउंट ओपन करूंगा तो फिर दोनों को क्या मिलेगा, फिर पैसा तो उस अकाउंट पे आ जाएगा मेरे अकाउंट पे, और आपको पता है अकाउंट मैंने ओपन किया फिर साइन किसकी लगेगी, मैरिज, और विड्रॉ करने के लिए मैच आया ना, आप डालने के लिए आप कोई भी जाके डाल सकते हैं, मेरा अकाउंट नंबर मैं आपको दूंगा, आप जाके पैसे भर दो, आपका इच्छा है तो आप पैसे भर दो, भरने के लिए कुछ नहीं लगता, बट विड्रॉल टाइम आपको कंसेंट लगती है, साइन नहीं लगती है उस पार्टी की, तो आपको ये अलाउड नहीं, एजेंट बन गए तो क्या बन गया आप, आपको ये अधिकार नहीं मिलेंगे, ये यही कहता है, ये यही कहता है कि आपको इम्प्लॉयड अथॉरिटी मतलब क्या, अगर आप एक्टिव पार्टनर है, आप एजेंट हो फर्म के, तो आप फर्म के बिहाफ पे काम करो, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप कल जाके ये भी काम कर दो, क्या आप समझिए ना कि ये भी मुझे अथॉरिटी नहीं, ये आपको अथॉरिटी नहीं है। एक अकाउंट, बैंक अकाउंट ओपन करना, डिस्प्यूट किसी थर्ड पार्टी को रेफर करना। फोर्थ, कॉम्प्रोमाइज एंड रिलिंक्विश, मतलब रिलिंक्विश मतलब कैंसिल करना, रिलिंक्विश मतलब कैंसिल एनी क्लेम और पोजिशन ऑफ द क्लेम बाय द फर्म, रिलिंक्विश का मतलब है कैंसिल। सुनो, एबीएस फर्म ने, अक्षय भगड़े एंड संगीता फर्म ने किसी को 1 लाख रुपए दिया था, कितना दिया था, 1 लाख रुपए दिया था। अब क्या होता ना, वो बंदा मेरे पास आता है, वो कहता भाई साहब सुनो ना, 1 लाख रुपए मेरे पास नहीं है, आप 50,000 ले लो, मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता। वो आता है मेरे पास, पैर पड़ता है, भाई साहब सुनो ना, मैं बहुत भिखारी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं, मैंने कल से सिर्फ 2 ही पिज्जे खाए, कुछ मुझे माफ कर दो, पैसा नहीं मेरे पास, मैंने कहा ठीक है माफ कर दिया, पैसा मत, लड़की थी मैंने अनजान फील्ड में आके पैर मोहब्बत में उसको बोल दिया ठीक है मत दे पैसे, रिलिंक्विश कर दिया, कैंसिल कर दिया। आप ऐसा चीजें नहीं कर सकते ऑन बिहाफ, क्योंकि ये क्लेम किसका, 1 लाख रुपए एबीएस का है, और एबीएस तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे ये कैंसिल करना है कॉम्प्रोमाइज करना है, मैं अकेला डिसाइड नहीं कर सकता, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ये पॉइंट जितने दिए कि ऐसे कौन से केसेस में ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एजेंट डजंट हैव द इम्प्लॉयड अथॉरिटी, तो ध्यान रखना, एक डिस्प्यूट किसी और को दिखाना अपना, सेकेंड बैंक अकाउंट ओपन करना अपने नाम पे, एंड थर्ड अभी का पढ़ा अपन ने, कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना क्लेम या रिलिंक्विश करना मतलब कैंसिल करना। विड्रॉ अ सूट एंड विड्रॉ सूट मतलब केस, सूट मतलब केस, सूट मतलब वो वाला सूट नहीं जो पहनते अपन, ठीक है, सूट, प्रोसीडिंग फाइल ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, संगीता और मैंने मिलकर केस डाले थी एक लड़की के ऊपर, अब कल जाके मैं संगीता जाके कल को नहीं विड्रॉ नहीं कर सकती, मुझे छोड़ के मुझे मेरी कंसेंट लेनी पड़ेगी संगीता को कि अक्षय जी की भी कंसेंट लो, फिर दोनों मिलकर अपन डिसाइड करेंगे ये केस वापस ले लो, अकेले जा नहीं सकती, अकेले पास छाया ना करो। चलो, एडमिट एनी लायबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म, एडमिट करना मतलब एक्सेप्ट करना, एडमिट का मतलब है एक्सेप्ट, एडमिट का मतलब है एक्सेप्ट करना। अब कोर्ट में केस चालू है, कोर्ट में केस चालू है, मैं अकेले गया कोर्ट में, बता नहीं इनको, अब वो बोलते कि भाई साहब आप मुझे 2 लाख रुपए देना चाहते हो, मेरे इतना डैमेजेस हुआ है, मैं उसको देख के बोल गया हाँ मैं दे दूंगा आपको 2 लाख, मैंने अकेले नहीं एक्सेप्ट कर दिया, नहीं चलेगा भाई साहब, आपको दोनों की कंसेंट भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी, फिर एबीएस के ऊपर आएगी, आपके अकेले के ऊपर नहीं आएगी। नेक्स्ट, अक्वायर इमोवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ, कोई भी प्रॉपर्टी आप परचेस करना चाहते हो फर्म के बिहाफ पे, तभी भी आपको कंसेंट लगेगी, ऐसे काम आप अकेले नहीं कर सकते।
ट्रांसफर ऑफ योर मोबाइल, किसी को ट्रांसफर भी करना है तो भी इनकी कंसेंट चाहिए। एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, अगर ये सब चीजें उसको अकेले करनी है तो पार्टनरशिप क्यों बनाए फिर? इसके वजह से एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको इंपॉर्टेंट टिक मार्क करना है पॉइंट्स के ऊपर, ऐसे कौन से केसेस है जिसमें पार्टनर्स एम्प्लॉय उसको एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं मिलती। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है ना, है ना? हाँ, अगर इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन आया, सॉरी इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन आया एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस पार्टनर्स डज नॉट हैव एम्प्लॉयड अथॉरिटी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस पार्टनर्स डज नॉट हैव एम्प्लॉयड अथॉरिटी, और थोड़ा डिफिकल्ट भी आ सकते हैं, अथॉरिटी सब्जेक्ट टू द, सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। ऐसा बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको देख के घबरा जाएंगे आप, क्या लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस पार्टनर्स डज नॉट हैव एम्प्लॉयड अथॉरिटी सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। तो अभी इसमें सीधा स्टार्ट मत लो, दिस 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 डैश 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 खत्म खत्म, ऐसा मत लो, पहले उसमें बताओ प्यार से, आ जाओ भाई साहब, अब के भी पहले आपको थोड़ा मसाला इंट्रोडक्शन, इसको बताओ, इन द पार्टनरशिप, ओहो, इन द पार्टनरशिप देयर आर टू थिंग्स, देयर आर टू थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड, विच इज रिक्वायर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट, अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। First, business, and second, profit. ये दो चीजें होती है, अपन business partnership start कर सकते हैं। In the partnership there are two things which is required under the partnership act. That is business and second is profit. B. Partner is the agent of the firm, agent of the firm, and his acts, and his act is binding on the firm. पार्टनर्स इज द एजेंट ऑफ द फर्म एंड हिज एक्ट इज बाइंडिंग ऑन द फर्म, ठीक है, सी, सी में आओ अभी, वो In the following cases, in the following cases, partner does not have, in the following cases, partner does not have implied authority. First, in the partnership, there In the partnership there are two things which is required under the partnership act 1932. First is business, second is profit. Second, B point, fact. Partner is the agent of the firm and his act is binding on the firm. C, in the following cases,
पार्टनर्स डज नॉट हैव इम्प्लॉयड अथॉरिटी। टू रेफर डिस्प्यूट्स टू द थर्ड पार्टी, या यहां पे आप अर्बिट्रेशन भी लिख सकते हो, अर्बिट्रेशन। सेकेंड, टू ओपन अ न्यू बैंक अकाउंट इन हिज ओन नेम। थर्ड, टू परचेस और ट्रांसफर इमोबल प्रॉपर्टी टू थर्ड पार्टी। फोर्थ, टू फाइल सूट, एडमिट क्लेम, विड्रॉ सूट। ऐसे जल्दी जल्दी पटापट पटापट याद आना चाहिए। विड्रॉ सूट के साथ एग्जाम में आपको एग्जामिनेशन से ज्यादा मार्क्स आएंगे। पॉइंट्स याद होने चाहिए, पॉइंट्स जब याद होंगे जब आप पढ़ोगे, आप पढ़ोगे तभी जब आपको टाइम मिलेगा, जब टाइम मिलेगा जब आपको एहसास होगा। एहसास कब होगा? जब आपको टाइम मिलेगा। चलो, टू रेफर डिस्प्यूट टू द थर्ड पार्टी या आर्बिट्रेशन भी लिख सकते हो आप। थर्ड पार्टी मतलब आर्बिट्रेशन, लॉ की लैंग्वेज में से आर्बिट्रेशन कहते हो, आपके सिंपल लैंग्वेज में से थर्ड पार्टी कहते हैं। थर्ड, टू ओपन अ न्यू बैंक अकाउंट इन हिज ओन नेम। हाँ, फोर्थ क्या? टू फाइल सूट, एडमिट क्लेम, विड्रॉ सूट। टू फाइल सूट कॉमा एडमिट क्लेम, क्लेम एडमिट कर दिया आपने, और विड्रॉ कर दी सूट, और विड्रॉ सूट। टू ओपन अ न्यू बैंक अकाउंट इन हिज होल नेम, और कौन सा बचा? फर्स्ट पार्ट में प्रॉफिट, मतलब ए में, ए पॉइंट में सेकंड ना, सी पॉइंट में टू एफर डिस्प्यूट टू द थर्ड पार्टी कॉमा डिस्प्यूट रेफर 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 नहीं पी का आपको हार हार ऐसे ही होता है ना, ई एफ ई आर। टू परचेस और ट्रांसफर अभी नेक्स्ट टाइम से मैं और अच्छा करूंगा। देखो आज सुबह सुबह आपने मेरा मॉर्निंग हार्ट ब्रेक कर दिया। कितना कितना बार बोला मैंने अभी आपको? तो मेरी आदत ही एग्जाम है, पता है पता पड़ा, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम ध्यान लोगो अपने को, यहाँ पे अपने को 3-4 घंटे नहीं है, ये 5 मिनट में एक क्वेश्चन होना चाहिए एग्जाम में। टू ट्रांसफर इमोबल प्रॉपर्टी, आईपी मतलब इमोबल प्रॉपर्टी, टू ट्रांसफर आईपी। तुम एग्जाम में मत लिखो ऐसा आईपी, वो फिर एग्जाम में भी मार्क्स आपको आईपी देगा, उतना कम ही मार्क्स, जितने आप कम लिखोगे ना शॉर्ट फॉर्म उतना कम मार्क्स देगा। फिर फुल फॉर्म लिखने का आईपी मतलब आप ऐसा मत अजम क्यों, उसको भी समझना चाहिए ये चीजें, ये इम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं। हे भगवान कहाँ है तू? टू फाइल सूट एडमिट इट, विड्रॉ इट। बोलो कहाँ पे अटके आपको? एडमिट के बाद क्या है वो? क्लेम, एडमिट क्लेम, विड्रॉ सूट। अबे टू फाइल सूट, अब ऐसे सीखता अच्छे से। हाँ सर ये समझ, हाँ सर ये समझ। एडमिट क्लेम, अच्छा मेरे को आदत है पास पास लिखनी, विड्रॉ सूट ऐसे लिख लूंगा नेक्स्ट। ओके आई कैन अंडरस्टैंड यूर फीलिंग इमोशंस, ठीक है नेक्स्ट टाइम हो गया था। कंक्लूजन, मैंने कंक्लूजन लिखा है बॉक्स में, कंक्लूजन कंक्लूजन कंक्लूजन। इन द फॉलोइंग केसेस, दो दो आप कितना दोगे मेरे को? ये आईपैड मेरे को खत्म हो जाएगा, बेंच इस पे लिखना पड़ेगा।
इन द अबव केसेस, इन द अबव केसेस पार्टनर हैज टू, पार्टनर पार्टनर शुड रिक्वायर, लिख लो मैडम, ये ऐसे लिखने में फिर टाइम लगता है, शुड रिक्वायर कंसेंट फ्रॉम अदर पार्टनर्स, ठीक है, इन द अबव केसेस पार्टनर शुड रिक्वायर कंसेंट फ्रॉम अदर पार्टनर्स। अपने को उसका सोल्यूशन भी बता दिया, अगर उसको ये चीज करनी, आपने को पूछा कौन सी नहीं कर सकता, अपन ने ये भी लिख दिया कि ये कैसे करने का, वो भी अपन ने कंफ्यूजन में बता दिया, तो ऐसे एडिशनल मार्क्स मिलेंगे, बच्चे का आंसर यही पे खत्म होगा, अपना आंसर तो यही से सबसे बड़ा स्वीट डिश यही है अपनी कंफ्यूजन, जिसे एग्जाम में ना खा के हा हा क्या आंसर लिखा है, बच्चे को यहां तक दिखे, बच्चे के यहां तक लिखे उसको मार्क्स देंगे नहीं, मैं हर एग्जाम में कंक्लूजन लिखता, तो दैट वॉज द रीजन आई गॉट एग्जामिनेशन इन ऑल द सब्जेक्ट इन सीएस। गाँव में मुझे 77, उसके बाद 60, 66, 60, ऐसे ही स्कोर है। टेक्निक बहुत अच्छी है, ये स्ट्रैटेजी किसको नहीं पता, क्योंकि मैं नॉलेज कभी वेस्ट नहीं किया मैंने, अपन ने इतनी मेहनत की, वेस्ट क्यों नहीं का नॉलेज, डस्टबिन में थोड़ी डालने के लिए पढ़ा अपन ने, सब डालने का उसमें, क्वेश्चन पर कैसे थी मजा आता है सबको मिक्स होने के बाद, वैसे ही अपनी क्वेश्चन वैसे वाली मत बनाओ कि इसमें सब कुछ आंसर डाल दिया, अच्छा फिनिशिंग दो मस्त एकदम, इंट्रोडक्शन फिर बीच में फैक्ट्स फिर बाद में कंक्लूजन, पढ़ने का भी अच्छा रहता है, वो कला है, कला संगीता ने, वो कला है लिखने की एक, वो अगर आप समझ गए तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। पढ़ाई भले कम हुई तो चलेगा भाई साहब, पढ़ाई कम हुई तो भी चलेगा, तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन मस्त होना चाहिए, बस बंदूक चलाने नहीं आती मुझे, बट बंदूक हाथ में दिखती रहना चाहिए, मार देगा अपने को, नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसे आपका भले आपका 50%, मैं एग्जाम में सेंटर में जब जाता था एग्जाम में बैठते मैं ऐसे नॉर्मल बैठता था, सब लोग पढ़ते थे रिवीजन करते थे, मैं ऐसे नॉर्मल सबको देखो, सब लोग तो क्या बहुत तेरे को टेंशन हो, क्या टेंशन नहीं लेने का सागा, उस क्वेश्चन का नसीब है जो अपने हाथों से लिखने वाला है, ऐसा समझ देगा उसको, नहीं चल तू नहीं तो कोई बात, अपने से बड़ा नहीं हो, एकदम बैठने का मस्त कोई करने का, और मैं से एग्जाम मिला क्वेश्चन पेपर सीधा मुंडी नीचे बस, पॉइंट्स पता है अपने को, और जो बच्चे 7 रिवीजन 6 रिवीजन करते ना, अभी मेरे 6th रिवीजन चल गया, अभी मेरे 7th रिवीजन हो गया, मेरे को एक फास्ट लास्ट रिवीजन करनी है, वो हाईलाइट करके करके वो पूरे नोट्स का वैल्यू खत्म कर देते, वो समझ ही नहीं आता व्हाइट नोट्स थी या येलो नोट्स थी, अब इतना उसको अंडरलाइन करते, 5th रिवीजन 6th रिवीजन, अगर मतलब 5th किए तो आपको 5th पे भरोसा नहीं थी, आप 6th पे आए तो आपने जितना किया अभी तक तो वेस्ट है ना, फिर तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि मेरे को एक चैप्टर पढ़ने में 10 घंटे भी गए तो चलेगा, बट नेक्स्ट टाइम पढ़ूंगा ना 5 मिनट में चैप्टर खत्म कर देता, मेरी विजन ऐसी थी कि मैं 40 मेगा का मेरी नोट्स थी 180 पेजेस की, मैं उसको 40 पेजेस में खत्म कर देता, एंड नेक्स्ट टाइम मैं 1 घंटे में पूरे 10 चैप्टर रिवाइज करता था 1 घंटे में, ऐसी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इस 10 चैप्टर को मैंने कम से कम 2 महीने दिए नोट्स निकालने में, फिर मैं 5 मिनट में एक चैप्टर खत्म करता हूँ, 5 मिनट में रिविजन में सिर्फ पॉइंट्स, 19 में क्या लिखा है, हाँ सर 19 में लिखा है, ये 5 पॉइंट नहीं आते उसमें, ये इसमें अथॉरिटी नहीं है उसको खत्म, दूसरा पढ़ने की पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं, एग्जाम में पैसेज नहीं पूछता, बच्चों को क्या होता है 200 पेजेस की नोट से, उसमें कहा क्या कहाँ से स्टार्ट करना वहां से क्वेश्चन है, और उसमें टाइम चल जाता सोचने में कहाँ से स्टार्ट को क्या लिखा है खत्म, तो अभी मैं बताओ ना आपको, चलो तो इसकी वजह से फिर मैं एग्जाम में और 2.5 घंटे पहले आधा घंटे पे पेपर हो जाने का, मस्त बैठने का, सही सब किसी को आंसर नहीं बताने का, और ऐसे मोटिवेट करने का क्या यार कुछ भी नहीं आ गया, ऐसे सबको डिमोटिवेट करने का, आजू बाजू अपने ज्यादा मार्क्स आएंगे ना अपने को आएंगे किसी को सब हुआ पेपर नहीं आ गया कुछ भी नहीं आ गया कुछ भी, एग्जाम में जब रिजल्ट आता है तब 2 घंटे का गलती से छुपके से आना कर गए कि अपना रिजल्ट अच्छा है तो अपने को आगे नहीं गया, तू तो बोला था एग्जाम में नहीं आया नहीं, अभी तो अच्छे मार्क्स आते हो, तो उस दिन रिजल्ट देते टाइम एकदम शांति मिलने की क्रांति करने की शांति में, तो मैं ऐसे ही करता आधे घंटे पेपर मस्त हमें बैठेंगे क्या चल रहा है सबका देखने का नहीं आया कोई कुछ ये बता ना नहीं आता कुछ भी नहीं आया ऐसे उनको लगा पेपर ही नहीं आया उसने छोड़ दिया उसको क्या पता अपन तो अपने को 70-70 मार्क्स आए सारे अपन ने किसी को दिया होता तो उसका भविष्य फ्यूचर अच्छा होता बट पढ़ाई के मामले में अपन किसी को नहीं करते शेयर चलो तो सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट अब ये 200 पेजेस की नोट्स है तो आपके पास कम से कम 20-25 पेजेस की नोट्स ही आपके पास अभी आपका भगे 3 घंटे जाना हो तो एक चैप्टर पढ़ने में बट नेक्स्ट टाइम 5 मिनट में होना चाहिए ऐसे भी चाहिए तो नोट्स वैसे नहीं करता अगर मैं पढ़ने बैठू आज फॉर एग्जाम्पल मैंने सेक्शन
कौन सा पढ़ा? 19, 18 सॉरी सॉरी 19 पढ़ा, 19 पढ़ा, इंप्लाइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एज एजेंट ऑफ द फर्म। मेरे बुक में ना, मेरे बुक में कुछ नहीं चाहिए, मेरे बुक में सिर्फ तीन चीजें चाहिए। एक, मैं अगर बात पढ़ रहा हूं मैं सेक्शन 19 की, नोट्स कैसे निकालने हैं, हाउ टू मेक,